हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल। वेलकम टू बी प्लान। एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी में उछाल देखा जा रहा है। एक हफ्ते पहले तक क्रिप्टो करेंसी मोस्टली क्रिप्टो करेंसी रेड लाइन पर थी, लेकिन एक हफ्ते से सारी क्रिप्टो करेंसी, कह सकते हैं मोस्टली क्रिप्टो करेंसी, ग्रीन लाइन पर आ गई हैं। शिवा एनयू ने तो एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उसने बहुत से पिछले ऐसे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। लास्ट मंडे से शिवा एनयू के प्राइस में जो चेंजेस आए हैं, जो पंप आया है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। जिन लोगों ने ज्यादा अमाउंट लगाया था शिवा एनयू में, उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिला है। और ऐसा माना जा रहा है ये जो शिवा एनयू में पंप आया है, वो दो रीजन की वजह से पंप आया है। उनमें से पहला रीजन है टेस्ला के मालिक एलन मस्क, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्वीट किया जिस ट्वीट को देखकर बहुत से लोगों ने शिवा एनयू परचेस करना स्टार्ट कर दिया। अब जब बहुत से लोग शिवा एनयू परचेस करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई लिमिटेड होगी, तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ना ही है। थर्सडे तक शिवा एनयू 0.00003117 डॉलर यानी 0.00233775 रुपीस पर बिजनेस कर रहा था। थर्सडे को मोस्टली क्रिप्टो करेंसी ग्रीन लाइन पर थी और बहुत सी क्रिप्टो करेंसी ने लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया, लेकिन शिवा एनयू ने तो एक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। लोगों को इतना ज़्यादा बेनिफिट दिया, जिन्होंने 1,000 रुपीज़, 5,000, 10,000 तक का भी लिया था शिवा एनयू, उनको 50,000 तक का रिटर्न मिला। अब एग्जैक्टली शिवा एनयू है क्या, क्या कहा जाता है शिवा एनयू के बारे में, या इसकी क्या कम्युनिटी है, ये किस तरीके से आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। या फिर हमको शिवा एनयू में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर इसका कोई फ्यूचर भी है, या फ्यूचर में इसके कितना प्राइस प्रिडिक्ट किया गया है, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। शिवा एनयू को डॉज कॉइन किलर भी कहा जाता है। एग्जैक्टली कह सकते हैं कि शिवा एनयू जो है वो पूरी तरीके से डॉज कॉइन से इंस्पायर होकर बना है। जब स्टार्टिंग में डॉज कॉइन आया था तो इसकी भी प्राइस बहुत कम थी, लेकिन जिन लोगों ने जब डॉज कॉइन परचेज किया था, उन्हें आज करोड़ों रुपए का बेनिफिट हुआ। सेम थिंग शिवा एनयू के साथ भी ऐसा ही हुआ। शिवा एनयू भी बहुत कम 0.00000 समथिंग रुपए से स्टार्ट हुआ, आज ये 0.00 सिर्फ दो डिजिट तक जीरो रह गई हैं, और इतना अच्छा उसका कह सकते हैं इतना ज़्यादा पंप किया, एवरी डे वो 70% 80% तक पंप कर रहा है। शिवा टोकन एक ERC-20 है जो इथेरियम नेटवर्क के साथ लिंक्ड है। शिवा एनयू की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो रेडिट पर, ट्विटर पर, हर जगह सोशल मीडिया पर हमेशा एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से और इसके प्राइस में फ़र्क आया है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी आपको ज़्यादा रिटर्न देगी या कौन सी कम। उसका रीज़न ये है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी रूल पर, किसी भी फॉर्मेट पर, किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करते। लाइक कि हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो कोई ना कोई कंडीशन होती है, कोई ना कोई रूल होता है, कहते हैं कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बेनिफिट होगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी किसी भी रूल पर कहते हैं डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर है। अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई लिमिटेड अगर होगी तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ेगी। इसके बारे में कोई भी एक फिक्स कह सकते हैं कि फिक्स कोई स्टेटमेंट नहीं है कि इस कंडीशन पे ही उस पॉइंट को बेनिफिट होगा। शिवा एनयू में जो ये पंप आया उसमें दो रीजन से पंप आया। सबसे पहले जो मैंने आपको एलन मस्क का बताया, एलन मस्क ने मंडे को एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने पेट डॉग फ्लोकी की एक फोटो शेयर की, जिसको देखते ही बहुत से लोगों ने शिवा एनयू परचेस करना स्टार्ट कर दिया, और उसकी वजह से सडनली शिवा एनयू के प्राइस में पंप आया। और बहुत से लोग जिनका की पूरा ध्यान डॉज पे था, उनका पूरा ध्यान डॉज से हटके शिवा एनयू पर आ गया, और आज वो फ्लोकी जो इंटरनेट पे सभी का फेवरेट बन चुका है, क्योंकि बहुत से लोगों को उस इमेज की वजह से, उस शेयर की वजह से बहुत से लोगों को लाखों का फायदा हुआ। तो डेफिनेटली एलन मस्क के एक ट्वीट की वजह से लोगों को इतना जब फायदा हुआ है, तो उनका डॉग भी सभी के लिए एक फेवरेट बन चुका है। सेकंड थिंग, एक ऐसी रूमर आई थी कि शिवा एनयू रॉबिनहुड एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है, जिसमें यह था कि एक वीक के अंदर वो लिस्ट हो जाएगा, लेकिन ये एक रूमर थी। रॉबिनहुड पर अभी तक शिवा एनयू लिस्ट नहीं हुआ। रॉबिनहुड एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि वर्ल्ड में सभी जगह एक अच्छी एक्सचेंज में से माना जाता है। अगर कोई भी कॉइन रॉबिनहुड पर लिस्ट होता है तो डेफिनेटली उसका प्राइस इंक्रीज होता ही होता है। तो लोगों ने ये भी सोच के शिवा एनयू परचेस किया, लेकिन
शिबा आयनू रॉबिनहुड पर आएगा, इसके लिए कह सकते हैं कि अभी हो सकता है कि 1 month भी लग सकता है। तो डेफिनेटली उसके प्राइस में तो चेंजेस आएंगे ही। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये साल के अंत तक शिबा आयनू 0.000018 डॉलर यानी 0.00135 रुपीस तक पहुंच जाएगा। और कुछ इन्वेस्टर्स, एलन मस्क और बाकी और भी जो मेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया है फ्यूचर में, उन्होंने ये बोला है कि 3 से 4 साल के अंदर शिबा आयनू की कॉस्ट $1 तक हो सकती है। अब सोचिए, जिसकी की कॉस्ट आज 0.0023 समथिंग है, अगर उसकी कॉस्ट $1 हो जाती है तो जिसने अगर 1000 रुपीस का भी लिया है वो भी लखपति बन जाएगा। तो सोचिए कि इससे कितना लोगों को फायदा हो सकता है फ्यूचर में। ये एक प्रेडिक्शन है जो कि इन्वेस्टर्स ने प्रेडिक्ट किया है। अगर आप भी शिबा आयनू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट हो, या आपको लगता है कि फ्यूचर में इससे फायदा हो सकता है, तो आप शिबा आयनू को वजीर एक्स पे जाके परचेस कर सकते हैं। वजीर एक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर वजीर एक्स को डाउनलोड कीजिए और आप शिबा आयनू को वहां इजीली परचेस कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन परचेस करना या नहीं करना ये आपका डिसीजन है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक बार और इसको अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। किसी के भी कहने के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट ना कीजिए, ये आपका डिसीजन होगा, आपके पैसे आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। लेकिन हाँ, अभी जो इन्वेस्टर्स का कहना है, जो मैंने रिसर्च में देखा, जो मैंने पता किया, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगी अपने व्यूअर्स को कि वो उन्हीं पैसों को क्रिप्टो करेंसी में लगाएं जिनसे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई फर्क ना पड़े। कह सकते हैं कि अगर सपोज कुछ भी हुआ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मार्केट है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अगर आपको उसमें लॉस हुआ, आपको अपने पैसे की ज़रूरत है, तो वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे इफ़ेक्ट ना करें। आप अपने एक्स्ट्रा पैसे, जिससे कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, आप उन्हीं को ही क्रिप्टो करेंसी में लगाइए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको लगता है कि शिबा आयनू परचेस करके आपको भी बेनिफिट हो सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।